दिल्ली के बाद पंजाब में भारी जीत के बाद आम आदमी पार्टी की नजरें अब राजस्थान पर हैं। दिल्ली और पंजाब में जीत के बाद अब पार्टी के नेता राजस्थान में संगठन विस्तार में जुट गए हैं। संगठन विस्तार को लेकर आम आदमी पार्टी ने रविवार को राजस्थान में अपना पहला बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया। राजधानी जयपुर में आयोजित इस सम्मेलन में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 2023 में राजस्थान में सरकार बनाने का दावा किया। सम्मेलन के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को आप में आने का खुला न्योता दिया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, सभी अच्छे लोगों का पार्टी में स्वागत है। उन्होंने कहा, बीजेपी कांग्रेस और बसपा में भी अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे नेता वहाँ परेशान हैं। आम आदमी पार्टी के दरवाजे अच्छे नेताओं के लिए हमेशा खुले हैं। पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी का अगला पड़ाव राजस्थान है। हाल ही में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी बड़े दलों को पटकनी देते हुए धमाकेदार जीत हासिल की है। पंजाब में कुल 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें हासिल की हैं।